देश विदेश की सभी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, कोविड बुलेटिन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सपना बिष्ट। चलिए बात करते हैं आज की खास खबर की। खबर हल्द्वानी से है। हल्द्वानी नगर निगम की सबसे बड़ी लापरवाही। हल्द्वानी सामाजिक कार्यकर्ता बीसी पंत को फोन कर वार्ड नंबर 59 के रहने वाले लोगों ने बताया वार्ड नंबर 59 का हाल। हल्द्वानी शहर की सबसे बड़ी बाजार, सबसे बड़ा क्षेत्र शनि बाजार, इंदिरा नगर का मुख्य नाला है जो रेता बजरी गंदा मलबा से भरा हुआ है। 6 फीट का नाला 5 फीट तक गंदगी से भरा है। 1 फीट में पूरे क्षेत्र बाजार का पानी निकलता है। सामाजिक कार्यकर्ता पंत ने वार्ड नंबर 59 में रह रहे लोगों से पूछा। लोगों ने बताया गंदगी के कारण आए दिन हर घर में कोई ना कोई बीमार रहता है। आजकल बीमारों की संख्या क्षेत्र में बढ़ती जा रही है। सामाजिक कार्यकर्ता पंत का नगर निगम के अधिकारियों से कहना है इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए, जिससे लोगों को इस परेशानी से छुटकारा मिल सके। लोग परेशान हैं, महामारी और बीमारी फैलने का अंदेशा बना हुआ है। घरों में जो गंदा पानी घुसता है, बरसातों में पानी के सहारे गंदगी भी घरों में जा रही है। नगर निगम के उच्च अधिकारियों से सामाजिक कार्यकर्ता पंत का कहना है अगर जल्द सुनवाई नहीं हुई तो वार्ड नंबर 59 के रहने वाले सभी लोग हल्द्वानी निगम में धरना देने पर मजबूर होंगे। नाराज हुए वार्ड नंबर 59 के रहने वाले लोग को सामाजिक कार्यकर्ता ने समझाया। सभी लोगों से कहा पहले वार्ता की जाएगी, एप्लीकेशन दी जाएगी और यह हमारे सूचना के माध्यम से सुनवाई होती है तो ठीक है, उसके बाद जो जनता के हक में है वह करेंगे। पंत ने कहा अगर जल्द इसकी सुनवाई नहीं हुई तो देहरादून सचिवालय और मुख्यमंत्री को ट्वीट करूंगा। आप देख रहे हैं हल्द्वानी से संवाददाता समी आलम की रिपोर्ट। ऐसी ही छोटी बड़ी सभी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नज़र। वार्ड नंबर 59 के रहने वाले लोगों ने मुझे फ़ोन करके सूचना दी कि यहाँ पानी घरों में घुस रहा है, सीवर जो गंदगी वो घरों में आ रही है। तो मैं तुरंत उनके कहने पर गया। वहाँ जैसे मैंने देखा कि इस कदर लोगों के घर में पानी घुस रहा है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, सारे क्षेत्र की गंदगी घरों में जा रही है। 6 फीट का नाला 5 फीट गंदगी भरी है। निगम की सबसे बड़ी लापरवाही यहीं देखी जा रही है। अब तक क्यों नहीं ली सुध, क्यों नहीं लेता हल्द्वानी नगर निगम? मैं सामाजिक कार्यकर्ता के नाते जनता को मैंने समझाया है और मैंने वहाँ के रहने वाले सभी लोगों से यही कहा है अगर हमारे इस माध्यम से वहाँ पे सुधार होता है, जल्द कार्यवाही होती है तो, नहीं तो फिर हम जो हमारा हक बनता है निगम में धरना देने का, अगर सुनवाई नहीं होती है तो हम वो देंगे। मैंने जनता को समझाया वहाँ की। और मैं कहना चाहता हूँ हल्द्वानी नगर निगम के उच्च अधिकारियों से कि जल्दी से जल्दी इस पे कार्रवाई करवाएं, नहीं तो इस कोरोना काल में जिस तरीके से वहाँ पे लोग बीमार हो रहे हैं और इस तरीके से वहाँ बीमारों की संख्या बढ़ती जा रही है, गंध बदबू इस तरीके से वहाँ इलाके में है, मैं आपको बता नहीं सकता। इसलिए स्वास्थ्य विभाग की टीम से भी मैं कहना चाहता हूँ कि इस पर वहाँ पर अपना एक बार दौरा करें। और निगम के अधिकारियों से भी कहना चाहता हूँ, मैं सामाजिक कार्यकर्ता, जनता के साथ, सच के साथ। जय हिंद।